हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं ओप्पो रिनो 4 प्रो इस डिवाइस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसकी डिज़ाइन कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके कैमरा में आपको कौन से फीचर्स देखने मिलते हैं एंड वीडियो की कौन से फीचर्स आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। इसके अंदर स्नैपड्रैगन आपका कौन सा मिलता है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, कितना गीगाहर्ट्ज़ पे ये चलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो भूषण रेड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एंड जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए एंड सबसे पहले आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो दोस्तों, अगर इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 3D कर्व डिज़ाइन आपको मिल जाती है, जिसमें आपको 90 Hz का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में तो इसकी स्क्रीन साइज़ जो होती है वो लगभग 6.5 इंच की स्क्रीन साइज आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, जिसको रिजोल्यूशन जो होता है वो लगभग 2400x1080 pixels का रिजोल्यूशन इसको यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, जो कि 402 pixel डेंसिटी के साथ आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने मिलता है। एंड गाइज, ये जो स्क्रीन आती है ये होती है 3D बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। गाइज, अगर बात करते हैं इसकी कैमरा के बारे में तो इसके अंदर की जो कैमराज होते हैं वो जिस तरह से होते हैं, जैसे कि आपको रियर कैमरा होते हैं वो 4 कैमरा आपको देखने मिल जाते हैं, जो कि होते हैं 48 मेगापिक्सल का, बाद में होता है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का एंड अगेन जो होता है वो 2 मेगापिक्सल का होता है। तो अभी एग्जैक्टली किस तरह से होते हैं तो ये ऐसे है कि 48 मेगापिक्सल का आपको जो मेन कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है वो लगभग आपको वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है उसके अंदर, एंड जो बाद में 2 मेगापिक्सल का होता है जो वो होता है मैक्रो कैमरा, एंड जो अलग होता है 2 मेगापिक्सल का वो रियर कैमरा, आपको क्वाड कैमरा बोल सकते हो। तो क्वाड कैमरा मतलब 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, कुछ इस तरह से आपको कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में आपको कुछ इस तरह से देखने मिलता है, जैसे कि फ्रंट कैमरा जो इसका होता है वो लगभग 32 मेगापिक्सल का पिंच होल कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। बाद में अगर बात करते हैं कि इससे आपको क्या क्या कर सकते हो, मतलब क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो, तो इसके अंदर आप ले सकते हो वीडियोज़ ले सकते हो, प्रोफेशनल मोड इसके अंदर आपको दिया गया है, पैनोरामा मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, लाइट मोड भी इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ में या वीडियोज़ में बिलीव करते हो, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ या वीडियोज़ लेना पसंद है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही सा एक डिवाइस हो सकता है। एंड अभी आगे चल के और थोड़ा बात करते हैं, तो गाइज अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, जो कि होता है ऑक्टा कोर एड्रेनो 618 GPU इसके अंदर इंस्टॉल आपको देखने मिल सकता है। बाद में ये जो चलता है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली कलर OS 7.2 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि 2.3 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G पे चलता है। एंड ये टोटली जो है वो बेस्ड है एंड्रॉइड 10 के ऊपर गाइस। गाइस, इसके अंदर जो बैटरी आपको मिल जाती है वो लगभग होती है 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि लगभग आपको स्टैंड बाई टाइम दे देती है 350 घंटे का। एंड अगर आपको कंटिन्यूसली टॉक टाइम वाला चाहिए तो टॉक टाइम आप कंटिन्यूसली इससे बात करते हो लगभग 30 घंटे तक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप सबके लिए हो सकता है जो ज़्यादा बात करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। बाद में अगर चार्जर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है 65 वाट का सुपर वूक 2.0 चार्जर, जो कि आपकी डिवाइस को चार्ज करता है लगभग 36 मिनट के अंदर पूरा। गाइस, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं वो अभी हम बात करते हैं। तो सीधा चलते हैं इसके फिंगरप्रिंट की ओर। तो जैसे कि इसके अंदर आपको मिल जाता है हिडन फिंगरप्रिंट जो होता है, अनलॉक 4.0 का फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाद में ये जो आता है वो कम्प्लीटली 3D बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन के साथ आता है, जैसे मैंने आपको सभी को ऑलरेडी बता दिया है। इसके अंदर अगर आप वीडियो बोलते हो या कोई फोटो लेते हो तो वो आपको मिल जाता है AI कलर पोर्ट्रेट मोड में, वो आप ले सकते हो। बाद में इसके अगर वीडियोज़ की बात करते हैं स्लो मोशन आप इस तक ले सकते हो, कौन से लेवल तक ले सकते हो, तो वो लगभग 960 FPS तक आप स्लो मोशन इससे शूट कर सकते हो। स्मॉल क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। बाद में ये जो पोर्ट्रेट मोड से आप फोटोज लेते हो वो नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड से आप इसके अंदर फोटोज ले सकते हो गाइस। एंड इसके साथ ही आपको इसके अंदर मिल जाता है 90 Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड बाद में ये जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर की अगर आप चार्जिंग की बात करते हो तो ये 65 वाट सुपर हुक 2.0 सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है गाइस। एंड अगर आप पूछते हो कि ये पूरा डिवाइस पूरा कम्प्लीटली चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, तो ये लगभग आधा घंटा टाइम लेता है, मतलब टू बी प्रिसाइज 36 मिनट में ये आपका 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। तो ज़रूर से एक बार चेक करके कंफर्म कर सकते हो आप। इसके अंदर आपको अल्ट्रा नाइट सेल्फी मोड मिलता है, अल्ट्रा डार्क मोड भी मिल जाता है, अल्ट्रा के 1.0 मेगापिक्सल के इमेजेस भी आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं।
एंड ये जो आप वीडियोस लेते हो ये अल्ट्रा स्टेडी वीडियोस भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसकी जो बॉडी होती है वो अल्ट्रा स्लिम बॉडी है, यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। एंड बाद में जो फिंगरप्रिंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फिंगरप्रिंट 4.0 आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, 8GB रैम प्लस 128GB तक आप इसके अंदर स्टोरेज मिलता है, जो कि एक्सपेंडेबल होता है लगभग 256GB तक। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो फास्टर होता है और स्मूदर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल सकता है फ्रॉम हेवी वेट गेम्स और हार्डकोर मल्टीटास्किंग। अगर आप मल्टीटास्किंग करना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हो बिना किसी मतलब झटझट के, एंड ऐसे रुकते रुकते नहीं चलने वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है लगभग 8GB की रैम। एंड दोस्तों इसके साथ ही आपको इसके अंदर मिलता है 3D मल्टी कूलिंग सिस्टम, जो कि आपकी डिवाइस कूल रखने के काम करता है, ताकि आपका डिवाइस अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप हार्डकोर अगर गेमिंग करते हो तो ये टेक्नोलॉजी इसे ठंडा रखने की कोशिश। जैसा मैंने आपको इसी कैमरा के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, मैं वापस एक बार बता देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आपको रियर कैमरा जो होते हैं वो 4 मिलते हैं, एंड जो फ्रंट कैमरा होते हैं वो लगभग 1 कैमरा मिलता है आपको। तो रियर कैमरा कुछ इस तरह से चलता है, जैसे कि 14 MP का मेन कैमरा मिल जाता है आपको, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है आपको, 2 MP का मोनो कैमरा एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड बाद में आते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो जो फ्रंट कैमरा होता है वो लगभग आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो है मिल जाता है। तो गाइज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिवाइस किस तरह से लगता है स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के अकॉर्डिंगली, एंड आप इसे परचेस करोगे या नहीं करोगे। तो इसकी जो लिंक्स होगी वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो जरूर से आप वापस जा करके भी इसे परचेस कर सकते हो, ऐप भी ऑर्डर भी कर सकते हो। तो जरूर से जो है वो नीचे लिंक्स को जरूर से चेक कर लेना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये डिवाइस किस तरह से लग रहा है, आपसे परचेस करोगे या नहीं करोगे। ठीक है गाइज, अगर आपने वीडियो अब तक देखा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी इनके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो है वो बता दीजिएगा। एंड इससे जो मैंने आपको बताया कि आप स्लो मोशन वीडियोज ले सकते हो 960 FPS तक, बाद में आप इसे AI पोर्ट्रेट मोड या जो कलर मोड होता है वो भी आप ले सकते हो। आपको अगर चाहिए ग्रीन कलर तो ग्रीन ले सकते हो, ब्लू कलर, RGB जो होता है रेड ब्लू एंड ग्रीन, तो वो कलर रख करके मोनोक्रोम भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको यहाँ पे आ सकता है। एंड आप इसमें 1080p पे भी वीडियोज़ ले सकते हो, 4K पे भी वीडियोज़ ले सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से ये डिवाइस है। तो इसके लिंक्स जो होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा, तो अगर आप चाहते हो इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से लिंक है वहाँ पे आप जाकर के इसे ज़रूर से जो है चेक कर सकते हो। गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइज, एंड ज़रूर से जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, एंड आपको यहाँ पे रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जल्द से जल्द अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है गाइज, मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।